सब सीन क्या चल रहा था और आप कुछ शादियों की तैयारियां करा रही है कुकी की? जी हाँ, जैसे कि आपने देखा ही होगा कुकी को दुल्हन का ड्रेस पहना रखा है, तो मैं कुकी की शादी करवा रही हूँ अपनी पसंद के दूल्हे से, जो कि NRI है, कनाडा से है, सॉरी लंदन से है और बहुत अमीर है। लेकिन कुकी कुगी से प्यार करती है, और क्योंकि वो उतना रिच नहीं है, उसके पास काम नहीं है और अपना घर बार भी नहीं है, तो जैसे कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों की जहाँ पे भी शादी हो, ख़ास तौर पे लड़कियों की, वो वेल सेटल्ड लड़का होना चाहिए, उसकी अच्छी जॉब होनी चाहिए। सो मैं भी उसी तरह से सोचती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि ये प्यार व्यार जो है, ये इससे प्यार से पेट नहीं भरा जा सकता, और प्यार बहुत कम टाइम के लिए रहता है, बाद में तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ की, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं कि वेल सेटल्ड लड़का होना चाहिए। सो मैं उसकी शादी उसी से करवाना चाहती हूँ। लेकिन आपने खुद देखा है कि आपके ही सामने रानो जी और बानी जी, उन्होंने भी NRI लड़कों से ही शादी की थी, उनके साथ कुछ घटा भी था, तो आप ये सब के बावजूद भी आप उस आपकी लड़की के लिए, मतलब गुप्ती के लिए NRI लड़का ही ढूंढ रही हैं? क्यों नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद दुबई में रहते हैं और मैं वहाँ, मैं भी उनके साथ बहुत टाइम वहाँ पे रही हूँ, तो और NRI लड़के सारे ख़राब नहीं होते, ऐसा अगर हम कहेंगे कि जितने भी NRI लड़के आते हैं वो सब ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं, कुछ एक आदमी, इंसान ख़राब होता है, कोई आदमी ख़राब हो सकता है, लेकिन NRI होना उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, और ये रियलिटी भी है ज़िंदगी की सबसे बड़ी। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक इंसान ख़राब था तो सारे के सारे लोग ही ख़राब होंगे, सो मैं इसमें बिलीव नहीं करती, और मैं यही सोचती हूँ कि जो ये लड़का है ये बहुत ही संस्कारी है, क्योंकि जो वो लोग मेरे सामने जिस तरह से बिहेव करते हैं और जिस तरह से उसके पेरेंट्स और उसकी मदर मुझे मिलती, मुझे ऐसे ही लगता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, काफ़ी पैसे वाला है और वेल सेटल्ड है, दिखने में भी अच्छा है, हैंडसम है, सो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी उसी से हो। लेकिन कुकी की मर्जी तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रही है, क्योंकि उसके चेहरे पे जो रौनक होनी चाहिए वो रौनक दिख नहीं रही है, तो फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको उसकी बात माननी चाहिए, थोड़ी बहुत उसका सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, जब बच्चे गलत डिसीज़न लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को बच्चों को रोकना चाहिए, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचती हूँ कि मैं कुकी की माँ हूँ, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कुकी गलती कर रही है एक ऐसे लड़के से जो सारा दिन आवारागर्दी करता है, जिसके पास अपना खेत नहीं है, जिसके पास अपना घर नहीं है, जो हर टाइम सोहम के साथ ही रहता है, जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो मैं उसको पूछती भी हूँ कि मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसे रखोगे कहाँ, उसे खिलाओगे क्या, ये प्यार व्यार तो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद असली जो पेट की भूख होती है वो कैसे मिटेगी? तो प्यार से पेट की भूख नहीं मिटाई जा सकती। सो मैं उसको ये बोलती भी हूँ, सो मैं, मेरे हिसाब से कुकी गलत है, और मैं किसी भी हालत में नहीं चाहती कि कुकी की शादी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे शादी करके वो बाद में पछताए। ऐसा है कि इस सीक्वेंस का इम्पोर्टेंस कुछ अलग ही रोल लेके आ जाए, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत ट्विस्ट? आगे क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि वो तो ऑडियंस के लिए सस्पेंस रहना चाहिए, तभी तो वो हमारे शो को देखेंगे, और मेरे को स्ट्रिक्टली मना है कि आगे क्या होने वाला है रिवील मत कीजिए। बाकी डेली सोप तो एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ के रोज़ लिखा जाता है, सो मैं आपको कुछ बता दूँ और कल को पता चले वो वैसा हुआ ही नहीं और कुछ और ही सीन्स लिख के आ गए, सो इसके बारे में तो कुछ भी प्रेडिक्शन करना भी गलत ही होगा, तो मैं नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ वो सस्पेंस रहे ताकि आप लोग अलग अलग आइडियाज़ लगाएंगे, ये होने वाला है कुकी के साथ शादी होगी नहीं होगी, वो कहीं बाहर चली जाएगी, या उसके साथ भी वही होगा जो रानो के साथ या बानी के साथ हुआ, सो यही तो बात रज्जी और सोहम, मतलब इस डिसीजन में आपके साथ कितनी तरह से सपोर्ट में है रज्जी और सोहम? बिल्कुल भी नहीं वो मुझे सपोर्ट करते, क्योंकि सोहम का वो फ्रेंड है कुकी, बचपन से उसके साथ रहा है, और उसको पता है कि कुकी जो है वो बहुत ही नेक लड़का है, बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी बहन की शादी उसके साथ हो जाए। और रज्जी जो है, और इन लोगों को शक है कि जो ये लोग आए हैं NRI, ये लोग ठीक नहीं हैं और ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं मुझे,
और वो बार बार मुझे ये बताने की भी कोशिश करते रहते हैं कि ये कुछ बहुत गलत होने वाला है, जो ये 7 लाख रुपए भी इसने मांगे हैं तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये पैसे लेगा और शादी करेगा और भाग जाएगा, बाद में कुकी को लेने नहीं आएगा। उनके वो अपनी जगह करेक्टली वो कैरेक्टर्स जस्टिफाई होते हैं और वो जो सोच रहे हैं वो सही है उनकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देख लीजिए आप थोड़ा बहुत और सोचिए। नहीं, आज एक सीन हम लोगों ने किया है जिसमें वो बोलती है कि आप प्लीज़ एक बार मेरी बात मान लीजिए और शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, तो मैं आपको वो सबूत ला के दूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि ये लड़का सही नहीं है। तो एज ए मदर मैं भी चाहती हूँ कि अगर वो लड़का सही नहीं है, और मुझे भी शक होता है कि ये इतना बार बार सोहम रज्जी मुझे कह रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा ही हो और लड़का गलत निकले और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, तो मैं वो फ़ोन करती हूँ उसके मदर को लड़के की, और मैं उसको बोलती हूँ कि तुम प्लीज़ शादी पोस्टपोन कर दो, और मैं बहाना भी बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड दुबई में फंस गए हैं इसलिए अभी तक आ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर देते हैं। मैं उनकी बातों को मानती हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन वो हर बार गलत साबित हो जाते हैं। मतलब जब भी मैं उनकी कोई भी बात मानने की कोशिश करती हूँ, जैसे वो बोलते हैं चलो रिपोर्ट लिखा देते हैं उस लड़के के खिलाफ, तो लड़का आ जाता है, ये बोलते हैं वो घर में ही नहीं वहाँ रहता जहाँ पे पहले उसने बताया था, तो लड़का हमें मिलने आ रहा है, और मैं बोलती हूँ तुम ही गलत हो। फिर वो बोलते हैं कि पासपोर्ट और टिकट कभी नहीं आएगी, वो पासपोर्ट और टिकट मेरे हाथ में रख देता है कि मैं देखिए लेके आया हूँ। सो जहाँ पे भी वो लोग बोलते हैं कि ऐसा होने वाला है या कुछ गलत, तो वो खुद गलत साबित हो जाते हैं। तो फिर अब ये हमारे दर्शक ही देखेंगे कि कुकी की शादी के पे कितना सस्पेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे, और मुझे लगता है ऑडियंस बहुत पसंद करेगी ये ट्विस्ट एंड टर्न्स। थैंक यू सो मच।